टू स्टोरी टाइम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। मैं हूं आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है स्टोरी टाइम। उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हो चुकी हूं आप सबके सामने हाजिर एक और बहुत ही प्यारा सा एपिसोड लेकर। तो आज कौन सी फन मस्ती होने वाली है, चलिए जी सबसे पहले तो मिलवाते हैं आपको आज के हमारे प्यारे प्यारे बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं। मूड ठीक है? अच्छा, मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं क्या अच्छी नहीं लगी आप दोनों? अच्छी लगी हैं तो फिर सलाम का जवाब ही नहीं दिया। मुझे लगा शायद मैं अच्छी नहीं लगी आप दोनों को। अच्छा, आपके पास आएंगे आप अपना अच्छा सा नाम तो बताएं। मिन्हा। मिन्हा, मिन्हा कैसी हैं आप? ठीक हूं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं इस पिंक फ्रॉक में, कि बहुत अच्छी लग रही है। ये मैंने इसलिए तारीफ की ताकि मिन्हा थोड़ी सी स्माइल करे। तो मिन्हा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? स्कूल जाती हैं? हाँ, मुझे लग रहा था आप नहीं जाती होंगी स्कूल। तो घर में क्या शरारतें? नहीं, अच्छी बच्ची हैं आप। क्या करती हैं घर में? घर में बैठ रही होती हैं और कुछ नहीं करती, शरारतें भी नहीं करती। खेलती हैं? क्या खेलती हैं? टॉय से खेलती। ओह, आपका फेवरेट टॉय कौन सा है फिर, ये तो बता दें हमें। गाड़ी। गाड़ी, ओके। मामा ने लेके दिया होगा है ना? नहीं, ओके जी, ठीक हो गया। साथ ही आपकी तरफ आएंगे, आपका क्या नाम है मिस्टर? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, इतना सीरियस होके क्यों बैठे हुए हैं, सब खैरियत है? ये अपने ये जो आज के आपके पार्टनर हैं, इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया शो शुरू करने से पहले? कोई लड़ाई तो नहीं हुई दोनों में? अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा कोई दोनों में लड़ाई हुई है जिसकी वजह से हादी बहुत गुस्से में है। हादी, स्कूल जाते हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी स्कूल। प्री नर्सरी स्कूल में पढ़ते हैं? ओके, जबरदस्त। तो मिन्हा वो तो स्कूल जाते हैं, आप क्यों नहीं जाती? मां नहीं सकती मुझे। मामा नहीं जाने देती आपको स्कूल? ओह, लेकिन आपको जाना है। मैं घर में पढ़ाई करती हूँ। ओए, आप कितनी अच्छी हैं, घर में पढ़ाई करती हैं, वाओ। लेकिन बच्चे तो घर में सिर्फ शरारतें करते हैं, लेकिन मिन्हा बहुत अच्छी हैं, घर में पढ़ाई करती हैं, ज़बरदस्त। तो कौन पढ़ाते हैं आपको? मैं खुद ही लिखती हूँ। अरे अल्लाह जी, खुद ही पढ़ती हैं, स्कूल भी नहीं जाती, लेकिन मामा की हेल्प भी नहीं चाहिए होती है ना? वाह, क्या बात है मिन्हा आपकी, ज़बरदस्त, कमाल हो गया। अच्छा, अब आपकी तरफ वापस आएंगे, ये थोड़ी सी स्माइल करके तो ज़रा हमें दिखा दें। वो बच्चे सब मुझे कह रहे हैं, ऐसे कान में मुझे कह रहे हैं कि हादी स्माइल क्यों नहीं कर रही, थोड़ी सी स्माइल तो कर दें। करेंगे स्माइल? थोड़ी सी करके दिखा दें, दांत निकाल के जो स्माइल होती है वो दिखा देंगे हमें। 1, 2, 3 स्माइल। ये चीज़ ज़बरदस्त। अब इसी के साथ ही क्या ख्याल है, हम बबलू के पास चलें? ठीक है, बबलू को जगाते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, कैसे हैं बबलू? अरे मैं फिट फाट, मजे में। बहुत अच्छी बात है, फाइनली फाइनली अब हमें ये सुनने को मिलता है कि बबलू कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वरना पता है क्या कहते हैं कि आज ये हो गया, आज ये गलत हो गया मेरे साथ, आज घर में मामा ने डांट दिया। नहीं, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। क्या, वाकई में? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, हम फिर जानना चाहते हैं कौन सा अच्छा काम करके आए आप। अरे मैं ना स्कूल से वापिस आ रहा था। ओके, तो रास्ते में एक अंधा खड़ा था, अंधा। ओ अच्छा, ठीक है। उसके आपने यकीनन उसकी हेल्प की होगी। हाँ। अरे वाओ, अच्छा कैसे हेल्प की? उसकी छड़ी भी गिर गई थी। छड़ी, जो स्टिक पकड़ी होती है? जी। ओके ओके, ठीक है। फिर तो वो से ना सड़क क्रॉस नहीं हो रही थी। ओके, फिर मैंने अपने दोस्त को बुलाया। ओके, और कहा कि इसको सड़क क्रॉस करवा देते। अच्छा, फिर हमने सड़क क्रॉस करवाई। ओके, और वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अरे ये हम क्या सुन रहे हैं, ये हम क्या सुन रहे हैं, मतलब बबलू ने एक नेकी का काम किया है। बबलू, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके लिए तालियां बजते, बबलू के लिए तालियां बजाएंगे जी सब। चले, 1, 2, 3 Thank you. बहुत खूब बबलू, हम बहुत खुश हुए हैं आपने ये जो इतना अच्छा काम किया है ना। लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। कौन? वो अंधा। अंधा अच्छा नहीं था? हाँ। अरे उसने क्या कह दिया आपको? आपने कहा था किसी की हेल्प करो, तो वो आपको बदले में कुछ देता है। मैंने ऐसा कहा? हाँ। मैंने कब कहा ऐसे? आपने कहा था ना नेकी का बदला मिलता है। हाँ, तो वो तो अल्लाह ताला देते हैं। तो मैंने उससे पिज्जा मांगा, उसने नहीं दिया। अरे नेकी का बदले की उम्मीद बंदों से नहीं लगाते ना। आपने अगर कोई नेकी की है
तो हमें उसको खुद तक रखना चाहिए और फिर देखिएगा कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला आपको खुद ही आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये नेकी का बदला अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया। अच्छा, इसका मतलब है आप पिज़्ज़ा खिलाने वाली हैं? बबलू, मैंने कहा अल्लाह ताला नेकी का बदला देते हैं। तो वो कैसे देंगे? आपके साथ कुछ अच्छा होगा ना। अच्छा, कब होगा? अब जरा थोड़ा इंतजार तो करना होता है ना फिर हर चीज के लिए। लेकिन मुझे तो अभी भूख लगी है। और खाने में आपको चाहिए पिज्जा? Yes! तो बबलू, आज अब इतनी भूख लगी है आपको, आप घर जाएं और आपकी मामा ने आपके लिए पिज्जा पहले से मंगवा के रखा हो। हाँ, ना? अगर ना रखा हुआ तो फिर हो सकता है रखा हो। अच्छा भाई, पॉजिटिव सोचना चाहिए ना। अच्छा हाँ, ओके ओके ठीक। वैसे इतना अच्छा काम किया है ना आपने बबलू, मेरा तो यू मेक माई डे। मतलब एक चीज होती है ना जिससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, बबलू ने इतना अच्छा काम किया है कि अब मुझे लगता है मेरा आज का जो स्टोरी टाइम का बाकी का एपिसोड है वो बहुत अच्छा गुजरने वाला है। यकीनन आप लोग भी बहुत हैरान होंगे बात सुन के। तो एनीवेज, इतनी अच्छी बात के साथ हम लेते हैं एक अच्छा सा ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी हमारे सेगमेंट्स क्योंकि शुरू होने वाले हैं, तो जल्दी से ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और साथ ही टाइम होता है हमारे आज के पहले सेगमेंट को शुरू करने का। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप सब, हम शुरू करने वाले हमारी आज की अच्छी सी और एक्साइटिंग सी कहानी। तो चलिए जी, देर किस बात के, शुरू करते हैं स्टोरी टाइम। ओके जी, तो बबलू और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल में बबलू बह रही होती है एक नदी, ठीक है, और उस नदी में क्या रहती होंगी? शेर। नदी में शेर रहता है। मिन्हा, हादी नदी में क्या क्या रहते हैं? शार्क। शार्क, शार्क क्या होती है? फिश होती है ना। तो नदी में क्या रहती हैं? फिशेज रहती हैं। ये बात कोई बबलू को कैसे समझाए? बबलू को लगता है नदी में शेर रहता है। तो भाई, हमारी नदी में ना रहती होती है कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी सी कलरफुल सी मछलियाँ। हादी, मछलियाँ देखी हैं आपने कभी? कितनी प्यारी होती हैं ना, और उनके उनके ऊपर कितने ज़्यादा कलर्स होते हैं, है ना। ओके ठीक है, हादी को लग रहा है मैं बहुत सीरियस कोई बात कर रही हूँ, तो हादी हम अच्छी बात कर रहे हैं, लाइक फिशेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी स्माइल दे सकते हैं। बबलू, ये क्या डांटा तो नहीं है आपने हादी को? अरे नहीं नहीं, हादी तो बहुत अच्छा बच्चा है। ओके ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं कि हादी थोड़ी देर बाद मुस्कुराए, ठीक है बबलू? अरे हादी अभी मुस्कुराएगा। कैसे? ऐसे। हाँ। अच्छा बीबी, स्टिल नो हंसी। बबलू फेल हो गए आप, ठीक है। अरे ये क्या बात हुई? पता नहीं, अब आपका जोक आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ सोचिए ऐसा जोक कि जिसपे हादी को हंसी है, ठीक है। तो साथ ही हम कहानी को आगे बढ़ाते। आपको बबलू, मतलब इनडायरेक्टली आप कहना चाह रहे हैं आपकी आवाज ऐसी है कि अगर आप हमें अपनी आवाज में कुछ सुनाएंगे तो बच्चे को हंसी आ जाएगी। अरे नहीं, खुश होगा, खुश होगा। नहीं नहीं नहीं, आप आपने यही कहना चाह रहे हैं, आपको भी पता है आपकी आवाज कैसी। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है खुश होगा। अच्छा ठीक है, हादी दिल दिल पाकिस्तान सुन के खुश होंगे? अच्छा वो कह रहे नहीं खुश होंगे, तो मेरी कहानी सुन के खुश होंगे? होंगे ना, मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाऊं, ठीक है। तो वो नदी जो थी ना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा मछलियाँ रहती होती थी। अब उस नदी के पास से बबलू एक दिन गुजर रही होती है लूमड़ी। अब वो लूमड़ी क्या होती है कि उसको इतनी भूख लगी होती है, इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है कि उसको दो तीन दिनों से कोई शिकार ही नहीं मिला होता। तो वो अब ये सोच में होती है कि मैं किस चीज़ को शिकार करूँ, किस चीज़ को खाऊँ, किस जानवर का शिकार करूँ। तो वो एक दिन क्या करती है कि वो थक जाती है, वो कहती है कि अब इतने दिन हो गया मुझे कोई शिकार मिल ही नहीं रहा, तो मैं काम करती हूँ कि मैं ये जो नदी हमारे जंगल में इतनी प्यारी और इतनी बड़ी सारी है, इसमें से कुछ पानी पी लेती हूँ। लूमड़ी कहती है कि पानी पी के ही गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि शिकार तो मेरे हाथ को लग ही नहीं रहा। अब वो क्या करती है कि जनाब बड़े मज़े से नदी की तरफ जाती है, वहाँ से बैठ के वहाँ पर पानी पीती है और बहुत सारा पानी पीती है। पानी पीते पीते बबलू उसकी नज़र किस चीज़ पर पड़ेगी? शेर पर। बबलू वो नदी से पानी पी रही है ना, तो पानी पीते पीते उसकी नदी में कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर उसकी नजर पड़ गई है। अरे तो सामने शेर है, शेर को देख लिया उसने। मिन्हा, किस चीज पे नजर पड़ेगी? मछली। यस, बिल्कुल सही कहा मिन्हा ने। अब वो जो लूमड़ी है उसकी नजर पड़ गई
मछलियों पे। अब उसकी नियत हो गई बेईमान। अब वो कहती है कि पानी तो मैंने पी लिया, मैं काम करती हूँ कि मैं इन मछलियों को खा लेती हूँ, इनको अपनी आज की खुराक बना लेती हूँ। अब वो लोमड़ी क्या करती है कि वो उस नदी में से जो इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ होती हैं उनको निकाल के खाना शुरू करती है, और जब उसका पेट भर जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है अपने घर की तरफ। अब पीछे से जो उन मछलियों की माँ होती है, जब उसकी उनकी मछलियों की माँ को पता चलता है कि भाई मेरी जो इतनी प्यारी प्यारी बेबी फिशेस थी उनको तो वो लोमड़ी खाकर चली गई, तो वो उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वो इतनी परेशान होती है, इतनी दुखी होती है। तो वो क्या करती है कि वो एक दफ़ा उसके नदी के साथ ही हाथी गुजर रहा होता है, तो वो हाथी को रोककर हाथी से क्या मांगेगी, हाथी से क्या मांगेगी मछली, क्या अपने बच्चे मांगेगी। अरे बच्चे तो लोमड़ी खा गई ना, कुछ और मांगेगी। बबलू क्या लगता है क्या मांगेगी वो, मछली। बबलू मछली हाथी से क्यों मांगेगी, कुछ और मांगेगी जो हम किसी दूसरे बंदे से मांगते हैं अपने काम को मुकम्मल करने के लिए। हादी एनी गेसेस, वो क्या मांगेगी, पिज़्ज़ा मांगेगी, पिज़्ज़ा। मछली हाथी से मांगेगी पिज़्ज़ा। बबलू मदद मांगेगी, मछलियाँ पिज़्ज़ा नहीं खाती। अरे कितनी फजूल है ये। तो वो जो मछली होती है वो हाथी को रोकती है, उसे मदद मांगती है, और वो मदद क्या मांगती है कि अरे हाथी तुम कितने बड़े हो, तुम्हारे अंदर क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी ताकत दी है और मैं क्योंकि मछली हूँ इतनी छोटी सी हूँ, तो मेरे पास तो इतनी ज़्यादा ताकत है नहीं, तो तुम मेरी एक मदद करोगे। अब वो हाथी से जब मछली मदद मांगती है तो हाथी तो क्योंकि वो इतना हाथी कितना बड़ा होता है ना मीना, तो वो हाथी कहता है कि अरे मछली तुम्हें मेरी मदद की क्यों ज़रूरत पड़ गई, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ। तो वो मछली उसको सारी कहानी बताती है कि कैसे नदी पर लोमड़ी आई थी और वो उस मछली के बच्चों को क्या कर गई, खा गई थी। अब वो मछली बड़ी परेशान होती है, बहुत रो भी रही होती है, और जब वो हाथी से रो रो कर मदद मांगती है तो वो हाथी क्या करता है, वो इतना बेरहम हो जाता है कि वो मछली को कहता है कि अरे तो उसने तो तुम्हारे बच्चों को खाया है, इससे मेरा क्या लेना देना, मैं तुम्हारी मदद किस चीज़ में करूँ। वो ऐसा कह के वहाँ से आगे चल पड़ता है। अब वो पीछे से मछली को इतना अफसोस होता है कि मैंने हाथी से मदद मांगी और हाथी ने मेरी मदद नहीं की, है ना। अब वो मछली को कितना दुख हुआ होगा मीना। अरे हाथी कितना गंदा, क्यों भाई, अरे मदद ही नहीं करता। बबलू जैसे आप अपने क्लासमेट की मदद नहीं करते। अरे मैंने आज की एक बंदे की मदद। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बबलू ने आज एक किसी की मदद किया। अब बबलू देखिएगा हमें बहुत दिनों तक ये बात हमें सुनने को मिलेगी कि बबलू, अरे मदद करना अच्छी बात है, मुझे पता है मदद करना अच्छी बात है। हाँ ये सीख गए आप। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनली हमारी कहानियों का थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर नजर आ रहा है हमें। लेकिन जिसकी मदद की वो गंदा था, उसने पिज़्ज़ा नहीं दिया। बबलू मैंने अभी आपको एक बात बताई ना। हाँ, अगर रात को ना मिला तो फिर वो गंदा। बबलू कहानी को आगे बढ़ाएं। ओके ओके ओके, थैंक यू। ये अब हमें किसी से हम नेकी करते हैं तो हमें किससे उसका बदला मिलता है, अल्लाह ताला से, है ना। और ये बबलू किससे उम्मीद लगाकर बैठे हुए कि बबलू को वो पिज्जा खिलाते। अरे बेचारे वो आगे ब्लाइंड थे, वो आपको कहाँ से पिज्जा लेकर देते बबलू। अरे आंखों से पिज्जा तो नहीं देते बबलू, हो सकता है उनके पास इतने पैसे ही ना होते, है ना। अब ये भी तो सोचना चाहिए ना आपको। हाँ ये हो सकता है, नहीं है कि जब आपका पिज्जा खाने का दिल करे और जिसकी तरफ से भी करे वो आपको निकाल के पिज्जा खिला दे, मतलब ठीक है। हाँ अब वो जो हमारी कहानी में हम कहाँ पर थे, हाथी। हाथी जनाब तो वहां पिज्जा से हम बाहर निकल आए काफी देर पहले। अब वो जो हाथी होता है वो बड़े मजे से आगे चला जाता है। पीछे से मछली इतनी उदास होती है, इतनी अफसोस में होती है कि उसने जंगल के इतने भारी जानवर यानी कि हाथी से मदद मांगी और उसने मछली को मना कर दिया। अब वो मछली क्या करती है कि वो जंगल के जो बाकी जानवर होते हैं जो भी वहां से गुजरता है वो मछली उनसे मदद मांगती है और वो सारे जानवर मदद करने से मना कर देते हैं। वो मछली क्या करती है, वो कहती है कि मुझे लगता है कि जो नदी के अंदर मछलियाँ रहती हैं मुझे उन्हीं से मदद मांगनी चाहिए। अब वो मछली क्या करती है कि वो अपनी जो साथी जो उसकी मछलियाँ होती हैं ना वो उनके पास जाती है, उनसे मदद मांगती है कि अरे मेरे बच्चों को ऐसे ऐसे लोमड़ी खा गए, तुम लोग मेरी मदद करो। तो वो मछलियाँ कहती हैं कि अरे हम तो तब से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं जब से लोमड़ी ने तुम्हारे बच्चों को खा लिया, तो हम तो भाई ये जंगल छोड़ के जा रहे हैं और हम दूसरी नदी की तरफ तैरते तैरते चले जाएंगे। तो वो मछली कहती है कि अरे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ कर चले जाओगे। वो मछलियाँ कहती हैं कि भाई हमें तो हमारी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो हम तो जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आओ। फिर वो मछली उन सब मछलियों को कहती है, अरे भाई मुझे जब तक मैं लोमड़ी को मजा नहीं चखा देती मैं तो इस नदी से कहीं पर भी नहीं जाने वाली, तुम लोगों को जहां पर भी जाना है तुम लोग जाओ। तो वो उसके जो साथी मछलियां होती हैं जो नदी में रहती होती है वो उस नदी को छोड़ के तैरते तैरते दूसरी नदी तक चली जाती हैं, और पीछे वो जो मछली रह जाती है
वो क्या करती है कि एक दिन वो मछली भी किसका शिकार बन जाती है? मम्मी का। बिल्कुल सही। अरे मिन्हा को तो हमारी सारी कहानी का पता है। अब वो जो बाकी जो मछली होती है ना, जिसके बच्चों को लोमड़ी ने खाया होता है, उसकी जो माँ होती है और उसके जो बाकी के बच्चे होते हैं मछली के, उनको भी लोमड़ी खा जाती है। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उस नदी से, क्योंकि सारी मछलियाँ ख़त्म हो गई है ना, अब वो नदी क्योंकि वीरान हो जाती है, वहाँ पे क्या होता है कि लोग कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं, जितने भी जानवर होते हैं वो वहाँ पर गंद फेंकना शुरू कर देते हैं जंगल का, और वहाँ पर इतनी स्मेल हो जाती है, वहाँ पे इतने मच्छर आ जाते हैं, इतने ज़्यादा कीड़े आ जाते हैं कि वो नदी नदी ही नहीं रहती और वो इतना गंदा सा उसका पानी हो जाता है, तो जंगल के बाकी सब जानवर होते हैं वो तो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। वो कहते हैं कि जब तक मछलियाँ ज़िंदा थीं हमारी ये नदी बिल्कुल साफ़ सुथरी होती थी, और अब देखो कि ये नदी में तो सारा कचरा ही कचरा हो गया और सारे कीड़े मकोड़े आ गए हैं। अब वो क्या करते हैं कि जानवरों के पास कोई नदी नहीं होती जहाँ से वो पानी पीते हैं, तो फिर वो जानवरों को रियलाइज़ होता है कि अगर हम उस मछली की मदद कर देते और हम लोमड़ी को मार देते तो आज ये नदी बिल्कुल साफ़ सुथरी होती और हम यहाँ से क्या करते, नदी से क्या करते, पानी पीते। हाँ, अब वो नदी से क्योंकि पानी नहीं पी सकते तो वो सब जानवर बहुत उदास हो जाते। फिर वो क्या करते हैं कि लोमड़ी को इतना मारते हैं कि वो लोमड़ी मर जाती है। वो लोमड़ी बिल्कुल सही, वो मर जाती है और वो तो जंगल के सारे जानवर होते हैं, अब वो नदी तो क्योंकि उनके पास रही नहीं, तो वो दूसरी नदी में बहुत दूर चल के उनको जाना पड़ता होता था और फिर वो वहाँ से जाके पानी पीते थे, फिर वो वापस इतनी दूर से चलकर वापस अपने घर की तरफ आते थे। और यहाँ पर हमारी कहानी होती है ख़त्म। अब हमें मिस्टर बबलू बताएंगे, जी ज़रा बताइए अच्छा सा मोरल लेसन हमारी कहानी का। अरे बहुत फजूल, बहुत फजूल। बबलू इतनी अच्छी मैंने कहानी सुनाई है आपको, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा मोरल लेसन तो बताए ना। इसका मोरल लेसन है कि हाथी गंदा बच्चा है। हाँ, वो गंदा गंदी हरकत तो की हाथी ने। हाँ, तो हाथी जा मिले उसे मार दो। अरे ये कहानी में है हाथी, ठीक है आप असल में मत हाथी पे तशद्दुद करना शुरू कर दीजिएगा। क्या हो गया, ये हमारी कहानी में एक मासूम सा हाथी था। अरे नहीं, वो गंदा होता है, उसे मार दो। दुस, दुस, दुस। क्या क्या लगता है आपको, क्या कहते हैं आप दोनों कि हाथी को जहाँ भी मिले हाथी को मार दें? नहीं ना, क्योंकि ऐसा हाथी नहीं होता ना, हमारी कहानी में जो हाथी था वो ऐसा था। तो बबलू प्लीज़ इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें जल्दी से बातों को घुमाए मत, मोरल लेसन बताएं अच्छा सा। अरे इसका यही मोरल लेसन है कि हाथी को मार दो, हाथी जहाँ मिले उसको मार दो, ये सीखा ये इन्होंने हमारी कहानी से सीखा है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने हमारी इस कहानी से क्या सीखा है। हमने सीखा ये है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई सुपर पावर्स दी हैं या आपके पास कुछ ज़्यादा ताकत है, तो वो इसलिए आपको मिली है ताकि आप अपनी उस ताकत के थ्रू दूसरों की क्या कर सकें, हेल्प। जी हाँ, तो ये सिखाना था मैंने आपको बेसिकली। और आप कहाँ से कहाँ चले गए? अच्छा जी हाँ, तो मतलब अगर बबलू आपके पास कोई पावर थी, आप देख सकते थे है ना जी, लेकिन वो जो अंधा था वो नहीं देख सकता था, तो आपने क्या किया, आपने अपनी इस पावर को यूज करते हुए उस अंधे को आपने रोड क्रॉस करवाया। तो ये मैं बताना चाह रही थी। अच्छा ये भी था, समझ लगी आप लोगों को। अब हमें कैसे हेल्प करनी है दूसरों की, ताकत से हेल्प करनी है कि हमें जब भी लगे कि किसी ने हमसे कोई मदद मांगी है तो हमें क्या करना होगा, हेल्प करनी होगी ना उसकी, है ना हादी, हमें क्या करना होगा, हेल्प करनी होगी। ये भी हादी बहुत सीरियस होके कह रहे हैं, हादी सीरियस होके सबकी हेल्प कर देंगे, है ना हादी, करेंगे ना हेल्प, शाबाश। तो इसी के साथ ही, क्योंकि हादी नहीं हमें मुस्कुराहट दिखाने वाली अपनी, तो हम क्या करते हैं कि एक अदद ब्रेक पर जाते हैं, जल्दी से ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोगों ने देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके जी, वेलकम बैक, ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और साथ ही टाइम होता है डू यू नो का, ठीक है बबलू। Okay. तो हम क्या करेंगे, अब जल्दी से जाएंगे और Do you know देखेंगे? एक अच्छी सी मालूमात हम चलकर सुनेंगे, तो चलिए जी शुरू करते हैं डू यू नो। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप जानते हैं, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम दुनिया के सबसे छोटे परिंदे के बारे में जानेंगे। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा
क्यूबा और आइल ऑफ यूथ में पाया जाने वाला हमिंग बर्ड है। इस बर्ड की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है, जिसमें से आधी लंबाई इसकी चोंच और पूंछ की होती है। इसका वजन 6.1 ग्राम होता है। ऐसा माना जाता है कि हमिंग बर्ड के वजन की हद किसी भी गर्म खून वाले जानवर के मुकाबले में कम होती है। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आज की जो हमारी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन थी, उससे हम आ चुके हैं वापस, और मुझे पता है जनाब कि आपकी मालूमात में यकीनन इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का अगला सेगमेंट, यानी के खेलकूद। बबलू सही बताएं। खेल खेल में। फाइनली, तो चलिए जी शुरू करते हैं खेल खेल में। तो गेम को शुरू करने से पहले जरा बच्चों की तरफ बढ़ते हैं कि उनका फेवरेट गेम कौन सा है। तो मिन्हा, जैसे कि आपने हमें बताया आप घर में होती हैं, है ना, मामा को तंग करती हैं पूरा दिन। सॉरी, मामा को तंग नहीं करती, आप तो बहुत अच्छी बच्ची हैं। तो फिर आपकी फेवरेट गेम कौन सी है जिसको आप घर में बैठ कर आराम से खेलती हैं? सॉरी, मुझे नहीं समझ में आया। हादी, आपको समझ में आया क्या कह रही हैं? समझ में आया? हाँ, टीला। नहीं नहीं, टीला क्या होता है? व्हाट इज टीला बबलू? व्हाट इज टीला? हाँ, अरे पिज्जा कहना चाह रही है। पिज्जा बबलू, पिज्जा कोई गेम थोड़ी ना। मिन्हा बताए जल्दी से, जरा ऊंची आवाज में बताए ताकि हम तक आपकी आवाज पहुंचे। कुछ समझाना चाह रही है मिन्हा? हाँ, हम समझ रहे हैं बिल्कुल। हाँ ठीक है, टाइम ही टाइम है, आराम से बताए कैसे खेलते हैं। हाथ से खेलते हैं? ये आप कहीं ये गेम फोन पे तो नहीं खेलती? ये फोन पे खेलने वाली गेम नहीं है। ओके ओके, फिर किसके साथ खेलती हैं? है भी नहीं है। मुझे पता नहीं, मुझे समझ आई है कि नहीं। अगर आप लोगों को समझ आए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा कि मिन्हा क्या कहना चाह रही है। अरे वो मारपीट वाली गेम कह रही है। ये वाली गेम कह रही है? कौन? ये मारने वाली गेम नहीं, ये भी आपकी फेवरेट गेम नहीं है। अच्छा, कुछ तो कह रही है मिन्हा। ठीक है, बहुत जबरदस्त गेम है जो मिन्हा खेलती है ना बबलू? हाँ, बहुत अच्छी गेम है, और हम भी चाहेंगे कि हम भी ये वाली गेम जरूर खेलें एक दिन। ठीक है, साथ ही आपकी तरफ आएंगे मिस्टर हादी। जितने आप सीरियस हैं लाइफ में, तो आपको क्या नहीं गेम खेलना पसंद तो होगा नहीं आपको। हादी, आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? एबीसी। उसको कैसे खेलते हैं? हाथ से। वो जो हाथ के ऊपर हाथ रखना होता है, फिर वो एबीसी। अरे नहीं, एबीसी से वो करते हैं, ढूंढते हैं कि ए से क्या चीज बनती है, बी से क्या बनता है। ऐसे ये वाली गेम खेलते हैं जो मैं कह रही हूँ, वो वाली। अरे जैसे मैंने कहा है ना। हाँ, मैंने सही गेस किया। अरे नहीं नहीं, वो ऐसे खेलते हैं, ए फॉर अंडा, बी फॉर बकरी। हाँ, ये इंग्लिश के लेटर्स के साथ आप अल्फाज बना रहे हैं, बकरी और। अरे बी फॉर बकरी होती है या नहीं? मतलब बे से बकरी होती है। मैं भी बे फॉर बकरी कह रही थी, मेरी भी इंग्लिश उर्दू मिक्स कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं बबलू। ये जरा इतनी अच्छी गेम, इतनी मुश्किल से हादी बोल रहे, उनको जरा बोलने तो दें। हाँ हादी, तो वो कैसे खेलते हैं गेम? वो वाली हाथ से खेलते हैं, जैसे मैंने बताया ना अभी। वो बबलू ने अभी हमें इंटरप्ट कर दिया बीच में, हम इतना अच्छा चल रहे थे हमारी गेम पे, इतनी अच्छी डिस्कशन हो रही थी ना, अच्छी वाली डिस्कशन। अच्छा खैर, तो क्या ख्याल है आज हम अपनी गेम शुरू करें? अच्छी गेम शुरू करें, पक्की बात है? चलो, बड़े सीरियस हैं हादी, लेकिन कोई बात नहीं, हम काम चला लेते हैं। चले दोनों जल्दी से उठकर इधर आ जाएं, इधर अपनी अपनी पोजीशन पर आएंगे, दोनों उठकर आएं, जल्दी से आएं। शाबाश, वेरी गुड। बच्चों के मूड का कोई पता नहीं होता जनाब, कब उनका मूड है कब नहीं है। ठीक है, आप उधर बैठेंगे हादी, ठीक है, अपनी नीस पे बैठ जाएं, और आप इधर बैठेंगी मिस, इधर बैठेंगी, बैठ जाइए नीस पे। वेरी गुड, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है हादी, बैठ गए दोनों। अब आप दोनों ने करना क्या है, मैं आप दोनों को बता देती हूँ। आप दोनों बिठाएंगे कि ये हमें क्या वो वहाँ से बिठा के यहाँ पर बिठा दिया। तो आप लोगों ने करना क्या है कि ये आप दोनों के सामने पड़े हुए कुछ पजल्स, ठीक है, आपने क्या करना है कि क्योंकि ये डिफरेंट तरह के बहुत सारे हैं, तो आपने अपना एक चूज़ करना है, एक एनिमल, और उसी से रिलेटेड जितने भी उसके पार्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके उसका एक जो पजल बनता है, जो एनिमल बनता है, उसको कम्प्लीट करना है। ठीक है मिस, आपको समझ लग गई? आप खेलेंगे ना? ओके जी, ठीक है। तो हमारे जो दोनों प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल जनाब हो चुके हैं तैयार। तो एक मिनट का टाइम है आप दोनों के पास, ठीक है, जल्दी जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो 1, 2, 3 स्टार्ट। ओके जी, मिन्हा ने ऑरेंज चूज कर लिया है, और हमारे जो हादी हैं उन्होंने ग्रीन कलर चूज कर लिया। ओके जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, पहले जीतेगा।
पहले उसके तरह के कलेक्ट कर लें। जबरदस्त, ठीक है। ऑरेंज और तो कोई नहीं? हाँ, वेरी गुड। इसके साथ के हमने कलेक्ट कर लिया, अब आप इसको असेंबल कर लें, ठीक है हादी। ओके, एक को तो हादी ने मिनट भी नहीं लगाया बाबू। अरे मैंने बताया ना, हादी जीतेगा, हादी मेरी टीम में। अच्छा हादी को, अच्छा जैसे ही देखा कि वो बना रहे हैं उनको अपनी टीम। अरे नहीं नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था। बहुत स्मार्ट है, तो मेरे कान तक आवाज चली गई। अरे सबने सुनी, सबने सुनी। अच्छा जी, ओके ठीक है हादी, इसको आगे फर्दर कंप्लीट करना है, इसको आगे क्या करना है, इसके आगे के पार्ट्स किधर हैं, ढूंढे जरा। अरे हादी जल्दी करो, जल्दी इनमें से ढूंढे कौन से पार्ट हैं इसके, और जरा इनको उठाकर देख ले। ओ हादी, मीना फटाफट कर रही है, आप भी जरा जल्दी करें। अरे हादी जल्दी करो, जल्दी क्या कर रहे हो? हादी हो सकता है वो ग्रे वाला हो। चलिए जी बबलू काम स्टार्ट करेंगे। अरे ग्रे वाला उठाकर देखे ना, टू ग्रे वाला, वन हाँ इसको उठाएं, जीरो ओके ठीक है। मिन्हा ने बबलू कंप्लीट कर भी लिया, ठीक है, और वो दूसरे पर भी आ गई है, ठीक है जबरदस्त। अरे चलिए चल रहे हैं मिन्हा, मेरी टीम में कितने चला गया बबलू। अरे अरे ये बच्चों को भी पता है ये वो, ठीक है आप जो बोलते हैं ना वो रिकॉर्ड हो जाता है। अरे मिन्हा किसकी टीम में हो? आपकी बात मिन्हा से पूछ ले। हाँ पूछे पूछे मिन्हा किसकी टीम में हो? की टीम में, मेरी टीम में कि बबलू की टीम में? अरे देखा मेरी टीम में। अरे वो, अरे सोच रही है ना, वो अभी सोचने दे। हाँ आपकी टीम में, जरा ऊंचा बोले आपकी टीम में। अरे वेरी गुड वेरी गुड, देखा कह रही है आपकी टीम में, मेरी टीम में कह रही है वो, मुझे कह रही है। अरे मुझे कह रही है, मुझे बबलू ये जो आपके पास दो आंखें हैं ना जिनसे आप दूसरों की मदद करते हैं उनसे जरा देख भी लिया करें, वो मुझे कह रही है। अरे ये झूठ बोल रही है, झूठी झूठी झूठी। बबलू ठीक है बहुत हो गया, इतना गुस्सा करने की वैसे जरूरत नहीं थी। अब ये देखें कि मिन्हा तो जीत चुकी और उन दोनों को इतनी गेम पसंद आई है कि वो उसको छोड़ ही नहीं रहे, और जो हादी के जो उसका अनदर हाफ था ना वो मिन्हा ने कंप्लीट कर दिया। मिन्हा इसके ऊपर ना ये देखें, मैं एक मिनट जरा बबलू इसकी हेल्प कर दूँ थोड़ी सी। ओके, अरे कर दे कर दे। ओके कहाँ गया? ओके अरे नहीं ठीक है ये मेरे बस का काम नहीं है, है ठीक है ये हो गया। ओके ये हमने इसका नीचे का पार्ट कर लिया, अब इसके ऊपर हम ग्रीन लगाएंगे। हादी मुझे दीजिए ये ग्रीन पार्ट, यस बिल्कुल, और ये देखिए इसको हम टन टना ये हो गया, ये ऐसे होना। तो हादी कह भी रही थी ग्रे वाला उठाए, आप सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात। तो यहाँ पर क्योंकि मिन्हा विन कर चुकी हैं और ये एक नहीं बल्कि सारे ही इन्होंने कंप्लीट कर दिए, तो इसी के साथ ही लेते हैं एक अदद छोटा सा ब्रेक, और कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक, ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और साथ ही पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं हमारे जो बच्चे हैं उनसे कुछ ना कुछ तो सुना जाए ना, तो मिन्हा कुछ तो सुनाए हमें, कोई तो अच्छी सी पोइम सुना दें। सोच रही है मिन्हा, बबलू सोच रही है, आप कुछ नया याद कर कर आए हैं? हाँ किया। क्या किया? मछली हूँ मैं, मछली हूँ। बबलू ये तो पुराना है, ये आपको पहले भी आता था। अच्छा हाँ कुछ नया, मैंने कहा था कि कुछ नया याद कर कर आए। अरे सब ही आज भूले बैठे हैं, सबको सब अपनी अपनी पोइम्स भूल कर बैठ गए हैं। मिन्हा को याद आई पोइम? हाँ कौन सी सुनाएंगी? मुझे तो पता चल गया, लेकिन वो बच्चों तक आपकी आवाज नहीं गई, जरा सा ऊंचा बोलेंगे। ओके ये देखा मिन्हा को तो पोइम याद आ गई, आप तब तक अपनी याद करें, हम मिन्हा से सुनते हैं। चलिए सुनाए हमें पूरी पोइम। बेबी बेबी यस मामा, टीगी शो गर्ल हो मामा, टीगी शो ओके गुड, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, हा हा, ठीक है आगे आगे खत्म। ओके जबरदस्त, क्लैपिंग करें अपने लिए, 1 2 3 वेरी नाइस, इतनी अच्छी हमें आपने पोइम सुनाई है, और क्या आवाज निकाली है, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे आप इससे ऊंची आवाज निकालेंगी। अब साथ ही हादी, मिस्टर हादी क्या ख्याल है, तो वो इतनी अच्छी पोइम सुनाई है, आप क्या सुनाएंगी? ट्विंकल ट्विंकल, हम आपसे ट्विंकल ट्विंकल भी सुन लेंगे, एक दफा क्या तीन दफा सुन लेंगे, आप हमें ट्विंकल ट्विंकल ही सुना दें। जी सुनाइए। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. I am a diamond in the sky. Like a diamond in the sky. खत्म होगी, poem खत्म होगी. Very nice. Clapping करेंगे हादी के लिए भी. हादी अपने लिए clapping कर लें. Very nice. बबलू मैंने पहली दफा बच्चा सुना है, देखा है
जिसने इतने सीरियस होके पोइम सुनाए। अरे बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। ये भी एक स्किल है भाई, सीरियस होके पोइम सुनाना भी एक स्किल है। अच्छा अब साथ ही आपकी तरफ आएंगे, और कौन सी पोइम आती है आपको? ये कॉम्पिटिशन चल रहा है मुझे लग रहा है। पहले मीना ने सुनाई। देखो बच्चों हाथी आया। देखो बच्चों हाथी आया, बबलू हाथी आया। हाथी को मार रहे हैं, पत्थर लेके वो हाथी को मार रहे हैं। हमारी कहानी में हाथी आया था, तब से हाथी बबलू को बिल्कुल नापसंद हो गया। ठीक है आप हमें सुनाइए। देखो बच्चों हाथी आया, अपने साथ ना बच्चा लाया, छोटे कानों वाला, बड़े बड़े वाला, बड़े बड़े कानों वाला, बड़े बड़े कानों वाला, चूंक से पानी पीता है, चिड़िया घर लेता रहता है। इतनी प्यारी पोएम आपने हमें सुनाई, क्या बात। अरे मुझे पता चल गया, पता चल गया। क्या पता चल गया? अरे मिलाद बता दिया कि वो चिड़िया घर में उसे मारो जाके। अरे वो चिड़िया घर में तो वो रहता है, लेकिन अभी तो वो आ गया, उन्होंने ये भी कहा है, ये नहीं शायद आपने सुना। अच्छा हाँ, तो ये एपिसोड खत्म हो रहे थे, फिर आप पकड़ लीजिएगा हाथी जहाँ भी आ रहा है। हाँ, मारूं उसे। ओके डन हो गया। अब साथ ही जरा मुझे आप भी बता दें, आपको कुछ याद आया कि नहीं? बच्चों ने तो सुना दिया इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स। मैं सुनाता हूँ। हाँ सुनाए ना। बुलबुल का बच्चा खाता था पानी, पीता था खिचड़ी। वही बबलू, ये नहीं सुननी हमें, कुछ नया सुनाए। ये किस किस को पॉइंट दी ये वाली? बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, किसी ने सुनी? अच्छा बबलू इन्होंने नहीं सुनी भी, चलें फिर आप सुना सकते हैं, सुना दें। बुलबुल का बच्चा खाता था पानी, पीता था खिचड़ी और एक मिनट गाना गाता था, उछलता था। मेरे नहीं लगेगा उसका गंदा है। एक मिनट रुकी, रुकेंगे नहीं आप, शुरू ही हो गए बस। खत्म होगी, खत्म होगी। खाता था खिचड़ी और पीता था पानी। हाँ जो भी करता था मुझे क्या। अच्छा ठीक है, बबलू को क्या भाई, वो पीता होगा या खिचड़ी को या खाता होगा पानी को, है ना? तो कैसी लगी बबलू की पोएम? गंदी लगी ना? कहते अच्छी लगी, बबलू खुश हो जाएगा। कैसी लगी बबलू की पोएम? अच्छी लगी। देखा बहुत अच्छी बच्ची है। आपके लिए क्लैपिंग हम नहीं करने वाले, ये आवाज आ रही है ना आपको, इसी से खुश हो जाए। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। काम चला ले। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और चलकर जल्दी से देखते हैं आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा और द आर्ट सिटी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको जो बनाना सिखाऊंगी वो है एक हैंगिंग फ्रेम, जिसे हम अपने घर के एंट्रेंस पर लगा सकते हैं, और इसमें मैंने लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले आए सीखते हैं। इस फ्रेम को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक कार्डबोर्ड, सर्कुलर शेप, मनीला शीट्स जिससे हम कार्डबोर्ड का बेस बनाएंगे और पेटल्स बनाएंगे, सेंटर पीस बनाएंगे, और एक स्ट्रिंग। तो आइए सबसे पहले मैं आपको पेटल्स बनाना सिखाती हूँ। पेटल्स बनाने के लिए हमें मनीला शीट चाहिए। A4 साइज़ मनीला शीट का आप हाफ कर लेंगे और फिर आप इसे फोल्ड करेंगे। हाफ फोल्ड किया, दोबारा से इसे फिर से हाफ फोल्ड कर लिया, और फिर हम दोबारा से इसे मज़ीद फोल्ड करेंगे। अब हम इसे कट करेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ इक्वल साइज़ के स्ट्रिप्स हैं। अब हम इसे आपस में पेस्ट कर लेंगे। हम एक स्ट्रिप लेंगे, एक इंच तक हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद हम इसे जॉइन कर लेंगे। देखिए जॉइन करने के बाद ये पेटल का शेप हमारे पास रेडी हो गया है। यहाँ मैंने बहुत सारी पेटल्स बना के पहले से ही रेडी रखी हुई है। जो हमारा कार्डबोर्ड का बेस है, पहले हम इसका बैक तैयार कर लेंगे। बैक तैयार करने के लिए यहाँ मैं एक स्ट्रिंग लगाऊंगी जिससे आप इसे हैंग कर सकते हैं। मैं स्ट्रिंग को कटिंग कर लूँगी, जितना मुझे ज़रूरत होगी मैं इतनी ही स्ट्रिंग लूँगी। यहाँ ग्लू पेस्ट करके हम स्ट्रिंग को लगा लेंगे ताकि बाद में अगर हमें हैंग करना हो तो हम इसे हैंग कर सकें।
थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब मैं साइडों पे ग्लू लगा के एक फाइन बेस सर्कल शेप में लगा रही हूँ। हमें ग्लू फैलाने की जरूरत नहीं है, हम ये इस पे स्टिक कर देंगे। ये फ्रेम का बैक साइड रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम इसका फ्रंट डेकोरेट करेंगे। अब जो हम पेटल्स स्टिक करेंगे उससे ये पूरा छुप जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे कोई और पीस लगाने की ज़रूरत नहीं है पेपर का। अब हम वन बाय वन पेटल्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ एक इमेजिनरी प्लस बना लेंगे, उसी शेप में हम पेटल को स्टिक करेंगे। सबसे पहले हम टॉप लेंगे, यहाँ एक पेटल स्टिक कर देंगे। इसी पोजीशन में नीचे की तरफ एक पेटल को स्टिक करेंगे। अब साइडों पे पेटल्स को स्टिक करेंगे। देखिए अब ये प्लस की शेप में आ गया है। अब हम इन दोनों पेटल्स के बीच में एक एक पेटल्स को स्टिक करेंगे। अब जो स्पेस हमारे पास है यहाँ पर मौजूद, वहाँ भी हम सारी पेटल्स को स्टिक कर देंगे। पहले हम ग्लू लगा लेते हैं ताकि हम स्पीड में इसे स्टिक करते जाएं। अब जो हमारे पास खाली स्पेसेस हैं, हम नीचे से पेटल को लगाना स्टार्ट करेंगे और ये स्पेस भी हमारा फिल हो जाएगा। हर दो पेटल्स के सेंटर में एक पेटल लगाएंगे। देखिए ये स्पेस भी फिल होना स्टार्ट हो गया है। ये हमारी बॉर्डर तैयार हो गई है। अब हम इसके सेंटर के लिए एक पीस बनाएंगे। सेंटर पीस बनाने के लिए हमें हैंडी फैन चाहिए, जिससे एक फ्लावर की शेप हम बनाएंगे। हैंडी फैन बनाने के लिए हम एक A4 शीट लेंगे। इसे हाफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर तब तक करेंगे जब तक हमारे पास एक पतली स्ट्रिप ना आ जाए। मज़ीद फोल्ड करेंगे। अब ये इस पेपर ने एक ज़िगज़ैग फॉर्म ले लिया है, अब इसे रिवर्स फोल्ड करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ मेरे पास एक ज़िगज़ैग सीज़र है जिससे मैं इसके कॉर्नर्स कट करूँगी, तो यहाँ एक ये अच्छी सी एक ज़िगज़ैग शेप ले लेगा। यहाँ से मैंने इसे कॉर्नर्स को कट कर दिया है। दूसरी तरफ से भी मैं कॉर्नर को कट करूँगी। ये सीज़र आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आराम से मिल जाएगी। अब मैं इसे हाफ फोल्ड करूँगी इस तरीके से और यहाँ ग्लू लगा दूँगी। ठीक है, चलिए हम ग्लू लगाना स्टार्ट करते हैं।
ये हमारा ग्लू लग गया है, अब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ी सी देर हम इसे प्रेस करेंगे और ये बिल्कुल मजबूती से ज्वाइन हो जाएगा। अब आप देखिए दो पीस हैं मेरे पास, अब मैं इसे इन दोनों को भी आपस में इसी तरीके से ज्वाइन करूंगी। यहाँ मैंने ग्लू लगाया, इन दोनों को आपस में स्टिक कर दिया। थोड़ी देर प्रेस करूंगी, अब जब मैं इसे खोलूंगी तो ये इतना अच्छा सर्कल फ्लावर ले लेगा। आप ये देखें, ये देखें कितना खूबसूरत सा फूल की तरह बन गया है। अब इसे भी मैं आपस में ज्वाइन कर दूंगी। ये मैंने स्टिक कर दिया है और ये हमारा सेंटर पीस तैयार हो गया। अब हम इसे सेंटर में लगा देंगे। ये मैं ग्लू ले रही हूँ और इसे स्टिक करने के लिए मैं सेंटर में ग्लू लगाऊंगी। मैं यहाँ इसे स्टिक कर दूंगी, थोड़ी देर इसे प्रेस करूंगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अच्छा, यहाँ तो मैंने यहाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा है, यहाँ मैंने इंग्लिश में बिस्मिल्लाह लिखा है और यहाँ मैंने घर से बाहर जाने की दुआ लिखी है क्योंकि ये हमें एंट्रेंस पे लगाना है। और अगर ये फ्रेम एंट्रेंस पे रहेगी तो हमें याद भी रहेगा कि हमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ के सेंटर के लिए मैंने यहाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा है, नीचे ट्रांसलेशन लिखी है, हमें हर चीज़ का मतलब भी पता होना चाहिए। यहाँ भी मैं ग्लू लगा लूँगी इसकी बेस पर। देखिए मैं इसका पहले हैंग करने के लिए जो हमने स्ट्रिंग लगाया था, हम उस वहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग के बिल्कुल नीचे ऊपर से लेकर आएंगे और फिर हम इसे सेंटर में स्टिक कर देंगे। थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। सेंटर में मैं थोड़ा सा ग्लू और लगा लेती हूँ। अच्छा बच्चों, आपने कलर्स का भी ख्याल रखना है। देखिए नीचे लाइट है, फिर डार्क है, फिर ऊपर हमने दोबारा से लाइट लगाया है। मैं इसे इसी तरीके से रख रही हूँ। आप चाहें तो इसकी आउटलाइन को डेकोरेट कर सकते हैं, बीट से डेकोरेट कर सकते हैं और लेस से डेकोरेट कर सकते हैं या आप इस स्ट्रिंग से भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरीके से रहने दे रही हूँ। देखिए हमारा ये हैंगिंग फ्रेम तैयार है और यहाँ जितना भी हमारे पास पेटल्स बच गया है, स्ट्रिप्स बच गया है, हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम दूसरे क्राफ्ट में यूज़ करेंगे। किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, आप इन छोटी छोटी चीज़ों को जमा करते जाएं और इसे दूसरे क्राफ्ट में आप यूज़ करें। अब आप बताइएगा कैसे लगा आपको मेरा शो और ज़रूर हमें ये बना के भी दिखाइएगा। फिर मिलते हैं नए क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, तो आज की हमारी जो इतनी अच्छी सी आर्ट थी उसको देखकर हम आ चुके हैं वापस। इसी के साथ ही टाइम होता है आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने का। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे साथ मिलके आज के एपिसोड को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और अगर आप भी चाहते हैं कि इन बच्चों की जगह आप भी यहाँ पर मौजूद हो और हमारे साथ गपशप करें तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्टोरी टाइम के सेट की रौनक बन सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगला एक बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा एपिसोड लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।